हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक खूबसूरत सा शेड लविंग प्लांट, जिसे वेरीगेटेड क्रीपिंग फिग के नाम से जाना जाता है। वैसे जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से खरीद के लाई थी, तब नर्सरी वालों ने मुझे बताया था कि ये हैज प्लांट है, क्योंकि उन्हें भी ये ना इस प्लांट का नाम नहीं पता था। और मैंने जब सर्च किया तो पता चला कि इस प्लांट को हैज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हैज, इसका नाम हैज प्लांट नहीं है, इसका नाम है वेरीगेटेड क्रीपिंग फिग, जो कि फाइकस फैमिली से बिलोंग करता है। जो फाइकस फैमिली में जो प्लांट होता है स्टारलाइट फाइकस, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मेरे पास ऑलरेडी है स्टारलाइट फाइकस। तो ये जो स्टारलाइट फाइकस मैं आपको दिखा रही हूं, इसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ ये मेरा प्लांट। तो फाइकस फैमिली में जो स्मॉल वेराइटी होती है, ये वही प्लांट है। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे इस प्लांट का जो नाम है वो पता चला, बहुत मुश्किल से मुझे पता चला। वैसे नर्सरी में तो सिर्फ मुझे कह दिया कि हैज प्लांट है, और मैं इसके पत्ते मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे थे, तो मैंने इसे परचेस किया। और जब मैं इसे परचेस करके लाई थी, तो मैं उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये प्लांट काफ़ी सुंदर प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसे ऐसी जगह आप रख सकते हैं जहां आपके धूप नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छी रोशनी आती है, तो आप इस प्लांट को रखिए। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ख़ास तौर पे ये प्लांट उन मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, जिनके पास बालकनी में धूप नहीं आती है, सिर्फ रोशनी आती है लेकिन धूप नहीं आती है, तो वो इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने जब से इसे परचेज़ किया है, उसके बाद मैंने इसे वॉच किया है, और मैंने देखा है इस प्लांट में ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बस हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। ये प्लांट, मैं छोटा सा प्लांट लेके आई थी और मेरा प्लांट देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये मेरे इस पॉट में लगा हुआ है, वैसे पॉट के एक साइड में इधर खाली हो गया है, क्योंकि ये मेरे प्लांट के बीच में रखा हुआ था। एक्चुअली मैं इंडोर प्लांट इतने सारे मेरे पास है कि मैं सबको इंडोर नहीं रख सकती हूँ, तो मैं बहुत सारे प्लांट टेरेस पे भी रखती हूँ। तो टेरेस पे बड़े प्लांट के बीच में मैं छोटे प्लांट सबको अंदर कर करके रखती हूँ, जिससे कि उन्हें रोशनी भी मिलती रहे लेकिन धूप नहीं लगे। उसी वजह से मेरा ये प्लांट पॉट जो है उधर से थोड़ा खाली हो गया है, और आगे आगे जिधर जिधर इसे स्पेस मिलते गया, उधर उधर ये बड़ा हो गया है। वैसे बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, पानी का हमें सिर्फ ध्यान रखना है इस प्लांट को, और ये प्लांट कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। जब मैंने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि मुझे नर्सरी वालों ने बताया है कि ये प्लांट कटिंग से लग जाता है, तो मैं लगाऊंगी, मेरे ग्रोथ पकड़ लेगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये प्लांट कटिंग से लगते हैं या नहीं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये प्लांट मेरे कटिंग से लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने इसे जब मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरे ये गार्डन के नए मेहमान से, तभी मैंने इस प्लांट को यहाँ कटिंग से लगाया था, और तब से लेके अभी तक मैं देखिए काफ़ी अच्छा मेरा ये बुशी भी हो गया है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, और मैंने देखा कि जैसे अभी मौसम बदल रहा है, तो ऐसे मौसम में देखिए इसमें हल्के हल्के पिंकिश कलर आ रहे हैं। ऐसे जब मैं इसे लाई थी तब इसमें सिर्फ ग्रीन एंड वाइट मिक्स के ही पत्ते थे, पिंक कलर जो इसमें अभी उभर के आ रहे हैं ऐसे कुछ नहीं था, अब दिखने लगा है ऐसे कुछ, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है। इसकी वजह से ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया है, इसमें पिंक पिंक शेड आने लगे हैं। तो बात करते हैं अब ये खूबसूरत से प्लांट को हम किस तरह से ग्रो करें। वैसे बहुत इजी ग्रोइंग है, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया कि ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है।
क्योंकि मैंने खुद इसे देखा है कि मैं इस प्लांट को उतनी केयर भी नहीं करती हूँ, फिर भी ये प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रखा है। तो इसे हमें लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में, जो कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, मिट्टी का ऐसा मिक्सचर बना के इसे लगाना है। और इसमें पानी का ध्यान रखना है, इस प्लांट में मिट्टी को हमें सूखने नहीं देना है। तो मैं दिन में 2 बार इसे वाटरिंग करती हूँ, पूरे सावर के साथ वाटरिंग करती हूँ, पूरे पत्तों को भिंगा के अच्छे से फिर मैं वाटरिंग करती हूँ। क्योंकि इसकी मिट्टी अगर हम सूखने दें, यानी इसकी मिट्टी अगर सूख जाती है, तो ये प्लांट क्या करता है, अपने जो नए पत्ते हैं उसको भी गिरा देता है। मतलब जो पत्ते ड्राई नहीं हुए हैं उसको भी ये प्लांट गिरा देता है, ये सूखी मिट्टी ये प्लांट नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो ये प्लांट में इस बात का हमें ध्यान रखना है, एकदम कीचड़ जैसे मिट्टी हमें नहीं रखनी है, लेकिन मिट्टी को हमें एकदम ड्राई भी नहीं करना है। तो इस प्लांट में बस यही ध्यान रखना है। और इस प्लांट में किसी भी तरह के कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है, और इसमें फर्टिलाइज़र भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो मैं जिस प्लांटर में स्पेस होता है, मैं ज़्यादातर उसमें गुड़ाई करके ड्राई फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार उसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ना पड़े। और सारे प्लांट को मैं मेरे गार्डन में लगे हुए सारे प्लांट को मैं 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो वो मैं देती रहती हूँ। लेकिन ड्राई फर्टिलाइज़र मैं हर 2 से 3 महीने में एक बार देती हूँ, मैं बार बार नहीं देती हूँ। क्योंकि ड्राई फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, इसीलिए बार बार हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्लांट में मैंने देखा है बस इतनी सी केयर और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बगैर किसी देख रेख के ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होता है। और एक बात और, नर्सरी वालों ने मुझे कहा कि इस प्लांट में फ्लावर भी होते हैं, तो अभी तक तो मेरे इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। अगर फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि इसमें फ्लावरिंग अगर हो रही है तो कैसी फ्लावरिंग हो रही है। तो जैसे थोड़े बहुत मुझे आए लग रहे हैं, दिखाऊं मैं आपको कि इसमें शायद कुछ यहाँ से निकलने वाले हैं। तो देखिए, जैसे छोटा सा फोकस, कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये रहा ये छोटू सा, आई थिंक ये कुछ फूल जैसा कुछ निकलने वाला है। इसमें निकलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बगैर फूल के भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, जिनके पास ऐसी जगह नहीं है कि वो धूप में कोई प्लांट रख सके, तो वो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इसे आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। और एक बार एक प्लांट लाइए और उसके बाद कटिंग से 2, 3, 4 जितनी मर्जी उतने प्लांट बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए। जैसे कि आप देखिए, मैंने इसे पॉट में लगाया है, अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा। और मैंने जैसे यहाँ पे ये फेस प्लांटर बनाया है और इसमें मैंने इसे लगाया है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह आप इस प्लांट को अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगा सकते हैं, छोटी स्पेस में भी ग्रो हो जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि मेरा ये फेस प्लांटर जो है वो बहुत छोटे से पॉट में लगाया हुआ ये प्लांट है। तो ये जो पॉट है, वो जो नर्सरी से हमें प्लांट मिलते हैं ना, वो पॉट है और बहुत छोटा सा पॉट है, तो मैंने इसी में लगाया है। और देखिए, काफ़ी अच्छे से ये प्लांट मेरे ग्रोथ पे है। तो इस तरह से हम इस प्लांट को छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे इसको लगाइए और कटिंग से ढेर सारे प्लांट बनाइए। और इस प्लांट की जो खूबसूरती है, वो अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में, जहां आपको सूटेबल हो वहां लगाइए और इंजॉय करिए। इसका मेरा वीडियो ये खूबसूरत से शेड लविंग प्लांट के केयर टिप्स के बारे में था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक
लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में। ओके देन, बाई।